बेदरिया राम ग्रुप ने सेठ स्वर्गीय बेदरिया राम की पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। संगोष्ठी में जहां माता अहिल्याबाई होलकर के सेवा भाव और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भाव से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया, वहीं कवि सम्मेलन में मौजूद साहित्यकारों का सम्मान भी बेदरिया राम गजक ग्रुप की ओर से किया गया। फतेहाबाद रोड स्थित एक मैरिज होम में सेठ स्वर्गीय बेदरिया राम की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के पाल, बघेल, धनगर समाज के मुअज्जिल लोगों के साथ ही प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम में सभी आगंतुकों का अंगवस्त्र और तिलक लगाकर सम्मान किया गया। संगोष्ठी में माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन वृत्त से प्रेरणा लेने का भी संकल्प लिया गया। ये कवि सम्मेलन एक ऐसे परिवार के द्वारा कराया गया जो हमेशा समाज सेवा में शामिल रहा। बेदरिया राम ग्रुप मेरे काफ़ी वर्षों से मेरे दिल से नज़दीक है, उनके बुलावे पर आज मैं कवि सम्मेलन में आया हूं और माता अहिल्याबाई होलकर की याद में ये कवि सम्मेलन कराया गया है और उसके साथ साथ एक नया संबोधन भी किया गया है कि दालबाटी कार्यक्रम भी होगा, तो ये दिलों की गहराइयां दिखाता है और साथ साथ जो हमें याद रखना चाहिए माता अहिल्याबाई होलकर के पुण्य किए हुए काम और मंदिरों के लिए किए गए काम, हम लोग यहाँ से सबक लेकर जा रहे हैं कि क्यों ना हम भी आगे कुछ ऐसे सेवा करें जिससे हमारे भी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद रखें। धन्यवाद। कवि सम्मेलन में राजेंद्र मिलन, सुशील सरित, राजेश्वरी बघेल समेत नामचीन कवियों ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के लोगों को एकत्रित कर आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देना था। इसके साथ ही कवि सम्मेलन के माध्यम से साहित्यकारों का भी सम्मान कर सेठ बेदरिया राम को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। ये मैंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि के उपलब्ध में ये कार्यक्रम कराया है, यहाँ ये कवि सम्मेलन और दाल बाटी कार्यक्रम कराया है, उसमें मेरा यही उद्देश्य है। ओके, ये प्रोग्राम में ऐसा है कि कवि सम्मेलन हो रहा है और बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं, वो हमारी ख्याति की वजह से और हमारी बनमनसाई वजह से समाज में हुए हमारा स्तर है, इसलिए ये सब लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है और अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में सेठ स्वर्गीय बेदरिया राम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही दाल बाटी भोज का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पाल, बघेल, धनगर समाज की प्रमुख हस्तियों के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक और शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों ने शिरकत की। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।